program to check the given number is a armstrong number or not. सबसे पहले मैंने इस केस में प्रोवाइड किया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर्स. पहले इसका डेफिनेशन रीड डाउन करते हैं, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय आर्मस्ट्रांग नंबर एंड हाउ टू प्रोग्राम इट. एन आर्मस्ट्रांग नंबर इज एन डिजिट नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द nth पावर ऑफ इट्स डिजिट्स. व्हाट इज मीन बाय दैट? फर्स्ट वन, सपोज दैट वी आर टेकिंग वन डिजिट, टू डिजिट नंबर्स और फाइव डिजिट नंबर्स और थ्री डिजिट नंबर. डिफरेंट फ्रेंड मैंने एग्जाम्पल्स भी प्रोड्यूस किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स रैंडमली मैं इस केस में डिस्कस करना चाहता हूँ. सबसे पहले 153 मीन्स 153 क्या है? आर्मस्ट्रांग नंबर. एंथ डिजिट, व्हाट इज मीन बाई एंथ डिजिट? इस केस में टोटल डिजिट्स कितने हैं? थ्री डिजिट. इसलिए एन के प्लेस पर कंसिडर किया थ्री डिजिट नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथ पावर मीन्स थ्रीथ पावर. मीन्स जितने भी डिजिट्स हैं सभी डिजिट का सम कैलकुलेट करना मीन्स कितने पावर में टोटल मीन्स काउंट करना नंबर ऑफ डिजिट. टोटल डिजिट्स थ्री, इसलिए वन टू द पावर थ्री प्लस फाइव टू द पावर थ्री प्लस थ्री टू द पावर थ्री. फिर इनका क्यूब जनरेट करने की जस्ट बात, क्यूब जनरेट करने में वन का क्यूब क्या आएगा? वन इट सेल्फ. फाइव का क्यूब क्या है? 125 प्लस थ्री का क्यूब क्या है? 27. जब इनको सम करेंगे तो सम करने पर नंबर क्या मिलेगा? 153 अगेन. मीन्स किसी भी नंबर्स के डिजिट्स का एंथ पावर के फॉर्म में सम कैलकुलेट करने की जस्ट बात, जब इन ओरिजिनल नंबर्स को इसके सम से कैलकुलेट करें, इसको आप कंसिडर करोगे एज अ सम. दिस वन इज अ एक्चुअल ओरिजिनल नंबर. आफ्टर दैट अगर ओरिजिनल नंबर और सम वैल्यू एग्जैक्टली सेम है देन इस केस में डिस्प्ले क्या करेंगे? गिवन नंबर इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, अदरवाइज नो, गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर्स. सेम एज अनदर नंबर मे बी 371. 371 के इसमें कैलकुलेट क्या करें? टोटल डिजिट्स कितने हैं इसके अंदर? 3. इसलिए 3 टू द पावर 3 प्लस 7 टू द पावर 3 प्लस 1 टू द पावर 3. इनका जो सम कैलकुलेट करेंगे इक्वेलेंट किसके हुआ? 371. सेम एज ऑल नंबर्स मीन्स एनी वन डिजिट नंबर. जैसे रैंडमली किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लेते सिंगल डिजिट नंबर है 5. 5 में टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1. इसलिए यूज क्या करें? 5 टू द पावर 1. मीन्स किसी भी नंबर का पावर ओनली वन टाइम कैलकुलेट करने पर अगर ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे ऑलवेज क्या मिलेगा? सेम. इसलिए 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स कैसे हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर. सेम है 4 डिजिट नंबर्स 1634. इस केस में एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? एन इज 4. एन वैल्यू इज 4. मीन्स 4 डिजिट नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डिजिट्स. मीन्स इस केस में सभी डिजिट्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें फोर्थ पावर. 1 टू द पावर 4 प्लस 6 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 4. जब इसका सम कैलकुलेट करें सम क्या आएगा? 1634. इस तरह से किसी भी नंबर का आर्मस्ट्रांग नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल है. सेम एज वन मोर केस, 5 डिजिट नंबर 54748. 54748. इस केस में टोटल डिजिट्स कितने हैं? एन वैल्यू इज 5 मीन्स 5 डिजिट. इसलिए सभी डिजिट्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे एन टू द पावर और ए टू द पावर 5 मीन्स 5 टू द पावर 5. नेक्स्ट वन 4 टू द पावर 5 प्लस नेक्स्ट वन 7 टू द पावर 5 प्लस नेक्स्ट वन अगेन 4. 4 टू द पावर 5 नेक्स्ट वन 8 टू द पावर 5. इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो सम क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर के इक्वलेंट 54748. देयरफॉर इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आर्मस्ट्रांग नंबर. मोस्ट ऑफ केस में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, एग्जैक्टली बताया जाता है किसी भी नंबर के डिजिट्स का पावर ओनली अप टू 3 प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है. 3 टाइम्स नॉट अ 3 टाइम्स n टाइम्स वेयर n इज अ नंबर ऑफ डिजिट्स. देन व्हाट इज द लॉजिक फॉर गिवन एप्लीकेशन और गिवन प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए रिक्वायर्ड लॉजिक्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने हैं? सबसे पहले ओरिजिनल नंबर को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल क्या होगा? नंबर. सम स्टोर कराने के लिए सम. एवरी टाइम सभी डिजिट्स का वन बाई वन पावर कैलकुलेट करेंगे इसलिए, लेकिन पावर का सम या रिजल्ट स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या सम? रिजल्ट वेरिएबल्स. मीन्स इसके स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट वन मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ एंटर्ड नंबर इज
153, ओरिजिनल नंबर इज 153, दैट वन। इसके जस्ट बाद सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, इसके द नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स मीन्स डिजिट काउंट। डिजिट काउंट के लिए इस वेरिएबल यूज करें समथिंग सी, जो मैंने प्रीवियसली लॉजिक्स मेंशन की, लॉजिक्स के थ्रू काउंट क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। करंटली नंबर के अंदर डिजिट्स कितने हैं, 3। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराना है, एवरी टाइम मीन्स कैलकुलेट क्या करें, सम वेरिएबल है सम प्लस, एवरी टाइम जिस डिजिट के लिए ऑपरेशन अप्लाई करना है, डिजिट को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल क्रिएट करा है समथिंग डिजिट। नेक्स्ट वन, इसके अलावा काउंट के केसेस में, जस्ट नंबर्स के केसेस में इसका सम कब तक कराएंगे, फर्स्ट वन सबसे पहले इस केस में डिजिट का वैल्यू क्या सेंड करा लें, डिजिट इक्वल्स टू लास्ट डिजिट एज 3। डिजिट वैल्यू 3 है, यानी इस केस में कैलकुलेट क्या करेंगे, 3 टू द पावर सी मीन्स सी वैल्यू इज 3, 3 टू द पावर 3 प्लस इसको ऐड किस में करा लेंगे, सम मीन्स ए पर्टिकुलर रिजल्ट असाइन किस में करा लेंगे, दिस रिजल्ट इज असाइन टू द सम इक्वल्स टू सम प्लस 3 टू द पावर सी और 3 मीन्स डिजिट, ठीक है, इस केस में डिजिट, डिजिट टू द पावर सी। किसी भी नंबर का पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सेपरेट प्रोग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम सी वैल्यू क्या है, सम वैल्यू क्या है 0 प्लस डिजिट का वैल्यू क्या है, लास्ट डिजिट मीन्स राइट टू लेफ्ट मेंशन करेंगे 3, 3 टू द पावर सी, सी वैल्यू क्या करंटली 3, क्या आएगा इसका रिजल्ट 9, सॉरी 27 प्लस 0 इज 27 असाइन टू द सम, सम के केस में क्या असाइन हो जाएगा 27। नेक्स्ट टाइम लास्ट डिजिट को जब रिमूव करते हैं, नेक्स्ट टाइम लास्ट डिजिट क्या होगा इस केस में 5। अब ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई करना है, 5 के लिए, अगेन सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम वैल्यू क्या है 27, 5 टू द पावर 3, सम इक्वल्स टू 27 प्लस 125, इसका एडिशन क्या आ रहा है इस केस में, आई थिंक 52, क्या आ रहा है इस केस में 152। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सम इज 152। नेक्स्ट टाइम अगेन 5 को डिलीट करने के बाद नेक्स्ट डिजिट प्रोसेस करेंगे जब 1, अगेन सम इक्वल टू सम प्लस, सम का करंट वैल्यू क्या 152 प्लस 1 टू द पावर 3, 1 इज अ डिजिट, नेक्स्ट डिजिट, इस टाइप से फाइनली रिजल्ट क्या आएगा 153 असाइन टू द सम। तो फाइनली सम का वैल्यू क्या है 153, देन डिस्प्ले करा लें, फर्स्ट टाइम डिजिट में क्या साइन होगा 3, जब फर्स्ट डिजिट क्या प्रोसेस हुआ था 3, नेक्स्ट टाइम डिजिट का वैल्यू क्या आएगा 5, नेक्स्ट टाइम 1, लाइक दैट। इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पॉसिबल है। इस केस में अगर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, इस कोई भी ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म होगा, एक मीन्स आपको टू लूप्स मैनेज करने की जरूरत होगी। एक तो ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराना, जब तक नंबर का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है, मीन्स आउटर लूप कब तक चलाएंगे, जब तक नंबर वैल्यू 0 से बड़ा है। दूसरा केस इनर लूप, एक और लूप किसके लिए मैनेज करना, पावर कैलकुलेट करने के लिए, ए टू दी पावर बी कैलकुलेट करने के लिए। अगर पावर के लॉजिक्स में यहाँ रिपीट नहीं करूँ, ऑलरेडी पावर का प्रोग्राम क्रिएट करा, तो उस प्रोग्राम के बाद रिवाइज करके देन इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना आपके लिए ईजिली पॉसिबल है। इसके लिए लॉजिक्स राइट डाउन कर दें, फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस सारे ऑपरेशन इंटीजर्स के फॉर्म में परफॉर्म कराना चाहता हूँ, इंटीजर नंबर कॉमा सम इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट वन डिजिट, नेक्स्ट वन काउंट, सम अदर वेरिएबल टेम्प, टेम्परेरी वेरिएबल रिक्वायर्ड हो गए, एवरी टाइम जो नंबर के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ओरिजिनल नंबर मॉडिफाई हो जाए, इसलिए ओरिजिनल नंबर रिजर्व करके रखेंगे इनसाइड वेरिएबल टी समथिंग और सम अदर वेरिएबल एस आई फॉर मैनेजिंग द लूप्स। अगर इसके अलावा कोई अदर वेरिएबल रिक्वायर्ड हो बाद में इसको मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स, नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप रीडिंग इनपुट्स यूजिंग कीवर्ड, पुट्स एंटर नंबर यूजिंग स्कैन एफ, स्कैन एफ के थ्रू नंबर रीड करने के जस्ट बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या हो सकता है इसके इसमें, नेक्स्ट वन इमीडिएटली परफॉर्म क्या कराना, काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंटिंग डिजिट्स। किसी भी नंबर के केसेस में डिजिट्स काउंट करने से पहले मैं ओरिजिनल नंबर टी में कॉपी कर लूंगा, मीन्स टी इक्वल्स टू नंबर, अगर नंबर एंटर किया इस केस में 153, इफ नंबर इज एंटर्ड एज 153 देन एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या इस केस में टी
टी का वैल्यू क्या आसान हो जाएगा, ऑल्सो 153 अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेशन. नेक्स्ट वन, डिजिट्स काउंट करने के लिए सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट. लूप के केसेस में इनिशियलाइजेशन सिंपली फोर लूप से भी काउंट करा सकते हैं, फोर आई इक्वल्स टू और सी के फॉर्म में मैनेज करें, इसलिए यूज क्या करूँगा इस केस में सी, सी इक्वल्स टू जीरो. परफॉर्म क्या कब तक कराना है इसमें, नंबर जब तक नंबर जीरो से बड़ा है. देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ, सी प्लस प्लस कॉमा नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10 यूजिंग डमी लूप. डमी लूप यूज करना इसके इसमें सिंपली सेमी कॉलन यूज किया है. इस लूप ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है फर्स्ट टाइम, सी में इनिशियलाइजेशन किससे हुआ, जीरो से. नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्ट होगा, नंबर क्या इसके समय 153 ग्रेटर देन जीरो. कंट्रोल का सेंड हुआ बॉडी सेशन, बॉडी एम्प्टी इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में टू एक्सप्रेशन वर्ड गए, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस होने पर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, नंबर का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड करने पर 15. नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग 15 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन अगेन ट्रू, तो अगेन बॉडी स्किप कराने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन एक जुड़ो, तो सी प्लस प्लस एंड नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करने पर नेक्स्ट टाइम नंबर का वैल्यू क्या है 1 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से सी प्लस प्लस परफॉर्म होगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके इसमें 3. नेक्स्ट टाइम नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 10, 1 को 10 से डिवाइड करने पर रिमेंड डिवीजन क्या आएगा 0. नेक्स्ट टाइम 0 ग्रेटर देन 0 और सिंपली स्पेस पर नंबर भी राइट डाउन कर दे तभी भी इसे यहाँ कंपेरिजन की भी नीड नहीं, बिकॉज फर्स्ट टाइम क्या पास होगा इस केस में 153, नॉन जीरो नंबर कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट टाइम 15, नॉन जीरो नंबर कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट टाइम 1 कंडीशन इज ट्रू. जैसे 0 पास होगा 0 केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. इसे गिवन लूप्स के थ्रू और डमी लूप के थ्रू नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना पॉसिबल. फाइनली सी का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 3, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन नंबर मॉडिफाई हो चुका है. ओरिजिनल नंबर क्या था 153, लेकिन अभी भी ओरिजिनलिटी किस वेरिएबल में, टेम्परेरी. नेक्स्ट टाइम अगेन नंबर में आसान क्या कर लेंगे, और नेक्स्ट ऑपरेशन कंटिन्यू करने के रिस्पेक्ट में अगेन नंबर इक्वल्स टू टी, टी का वैल्यू 153, इसलिए नंबर का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा इस केस में 153. मीन्स इस टाइप से नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने का नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या है, देन एवरी टाइम नंबर का 1 by 1 डिजिट्स रीड करेंगे, डिजिट्स का पावर कैलकुलेट करेंगे, पावर कैलकुलेट करने के बाद एवरी टाइम आसानी किस में कराएंगे, सम के फॉर्म में. अगेन रिक्वायर्ड लॉजिक क्या रहेगा, व्हाइल अगेन नंबर ग्रेटर देन जीरो, देन नंबर का डिजिट रीड डाउन करें, तो डिजिट को रीड करने के लिए यूज करें डिजिट इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलो वाई 10. देन आप डिजिट्स के केस में रिक्वायर्ड क्या है, डिजिट का पावर, इन पावर कितनी बार कैलकुलेट होगा डिपेंड करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी. मीन्स इसका मीनिंग क्या है, डिजिट टू द पावर सी. मैंने आपको लॉजिक बताया था ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी के केसेस में एवरी टाइम बी का वैल्यू 4 है, देन ए का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार हुआ 4 टाइम्स. तो इस केस में मैनेज किसके थ्रू किया था, यूजिंग लूप. लूप कितनी बार चलेगा डिपेंड करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर. इस केस में एक लूप मैनेज करेंगे 4 आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू सी मीन्स काउंट देन आई प्लस प्लस आई प्लस 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 इसका एवरी टाइम जो भी पावर जनरेट होगा पावर किस में सेंड कराएंगे डिजिट मीन्स एक्स्ट्रा वेरिएबल टेकिंग एज something result. We have required one more variable as result with the initial value of result is 1 or nothing. Leave it. Means एक और extra variable क्या required है इसके इसमें result जिसके through every time आसान क्या हुआ power of given digits. Initial value initialize करें जा 1 इस place पर for loop के अंदर या just डिजिट्स में 10 असाइन करने सॉरी डिवीजन असाइन करने का रिजल्ट को एवरी टाइम इनिशियलाइज किससे करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू एवरी टाइम 1 क्योंकि बार बार न्यू डिजिट्स का पावर कैलकुलेट करना है.
देन राइट डाउन क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई डिजिट्स। इसे लॉजिक्स के थ्रू कैलकुलेट किया हुआ पावर, फर्स्ट टाइम सी वैल्यू 3 है क्लियर, आई वैल्यू क्या हो चुका है 1, इस आई वैल्यू क्या करंटली एस 1, सम इज 1। डिजिट्स के केस में कैसा होगा, नंबर मॉड्यूलो बाई 10, मॉड्यूलो रिमाइंडर क्या आएगा 3, इसलिए डिजिट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। लूप मीन्स सी का वैल्यू 3, इसलिए लूप एवरी टाइम कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स, देन फर्स्ट टाइम इस स्टार से पावर कैलकुलेट होने के बाद जब लूप कंडीशन फॉल्स हुआ, आई वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में फॉल्स, मीन्स फर्स्ट टाइम 1, 2, 3, 4 के केस में फॉल्स हो जाता है, रिजल्ट का वैल्यू तब तक कैसा हो जाएगा 3 to the power 3 मीन्स 27। फर्स्ट टाइम कैसा हुआ 1 multiply by 3 is 3, नेक्स्ट टाइम 9, नेक्स्ट टाइम 27। नेक्स्ट थिंग्स इसके जस्ट बाद अब परफॉर्म क्या कराना, सम इक्वल्स टू आउटसाइड दिस लूप, सम प्लस रिजल्ट, सम का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, रिजल्ट वैल्यू क्या है 27, तो इसलिए एडिशन क्या आएगा 27 असाइन टू द वेरिएबल सम। अब वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 27, दिस इज द फर्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट वन कंट्रोल को नेक्स्ट इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराना है, रिमूविंग दिस लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए ऑपरेशन क्या है, नंबर डिवाइडेड बाई 10, क्लोज दिस लूप, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे देन डिवीजन क्या आएगा इसका 15, अब नंबर का वैल्यू क्या है 15, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा 15 greater than 0, कंडीशन इज ट्रू, नेक्स्ट वन कंडीशन ट्रू होने के जस्ट बाद अगेन डिजिट में कैसा हो जाएगा नंबर मॉड्यूलो बाई 10, रिमाइंडर क्या आएगा 5, देयरफॉर डिजिट बिकम्स 5, नाउ 3 replaced by 5। नेक्स्ट वन अगेन रिजल्ट में फिर से इनिशियलाइजेशन किससे होगा 1 से, नाउ रिजल्ट वैल्यू अगेन बिकम्स 1। नेक्स्ट वन जब ये लूप चलेगा करंटली डिजिट का वैल्यू क्या है इस केस में 5, देन 5 to the power 3 कैलकुलेट होगा फाइनली जब ये लूप टर्मिनेट हुआ, लूप के केस में अगेन आई का इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है 1 से, कब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू 3 से छोटा है 3 के इक्वल है, एवरी टाइम आई में प्लस प्लस होगा रिजल्ट में कैसा नजर आया फाइनली जब लूप कंप्लीट होगा मीन्स फर्स्ट टाइम क्या आएगा 1, आई वैल्यू 1, 1 के केस में स्पेस पर रिजल्ट में कैसा नजर आया 5, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू क्या हो जाए 2, आसान क्या होगा 25, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू इज 3, आसान क्या हो जाएगा इस केस में 125, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू बिकम्स 4, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स होने पर बाहर आ गए बाहर परफॉर्म क्या कराएं, सम इक्वल्स टू सम प्लस रिजल्ट, सम का वैल्यू करंटली क्या 27, रिजल्ट का वैल्यू क्या 125, एडिशन इज 152 असाइन टू द वेरिएबल सम, अब वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 152। नेक्स्ट टाइम अगेन सेम ऑपरेशन फिर से परफॉर्म होंगे देन कंट्रोल का नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10, नम का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली 1, नेक्स्ट टाइम अगेन 1 greater than 0, कंडीशन इज ट्रू, डिजिट में क्या आसान होगा रिमाइंडर इज 1, इसलिए डिजिट का वैल्यू क्या आएगा 1, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज किस हो रहा है अगेन 1, रिजल्ट बिकम्स 1। इस बार 1 का क्यूब कैलकुलेट होगा 1 to the power 3, रिजल्ट 1 ही आएगा, इसलिए जब कंट्रोल बाहर आएगा तो उसके इसमें सम में क्या आसान होगा 152 + 1 = 153, नाउ रिजल्ट बिकम्स 153, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा इसके इसमें 153, देन नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, डिवीजन हुआ तो डिवीजन क्या आएगा 0, कंडीशन टेस्टिंग 0 greater than 0, कंडीशन इज ट्रू, सॉरी कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स देन कंट्रोल फाइनली व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, व्हाइल लूप से बाहर आने पर अब आपको परफॉर्म क्या कराना है इस प्लेस पर, मीन्स अभी तो सिंपली इसका क्यूब और सम कैलकुलेट हुआ है, मीन्स ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया कि नंबर अभी आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, तो नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं अगेन फिर से अब टेस्ट करेंगे ये फॉर सम, मीन्स जस्ट आर्मस्ट्रांग का बोलो अगर सम मीन्स अगर सम नंबर के ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल है देन इसको कंसीडर क्या करेंगे जो नंबर इज आर्मस्ट्रांग, इफ सम इक्वल ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नंबर, लेकिन नंबर के केस में आप ऑलरेडी देख रहे हो नंबर के केस में नंबर मॉडिफाई हो चुका है, नंबर का वैल्यू क्या है 0, लेकिन अभी भी इसका एक्चुअल वैल्यू किस में मैनेज हो रहा है टेम्परेरी वेरिएबल टी में, इसलिए सम को नंबर से कंपेयर न करा के नंबर का वैल्यू
टी से कंपेयर करेंगे टी. अगर एक कंडीशन टू देन डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट एफ यस नंबर इज आर्मस्ट्रांग. नेक्स्ट वन एल्स ब्लॉक प्रिंट एफ नो नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग. देन क्लोज दिस फंक्शंस मीन्स मेन फंक्शंस. इस फाइंड इस केस में नंबर सिर्फ पर्टिकुलर लॉजिक्स के थ्रू किसी भी नंबर को चेक करना पॉसिबल गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट. वन मोर थिंग्स नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे फॉर अ गिवन देन मीन्स पर्टिकुलर केस में एट ए टाइम ओनली सिंगल नंबर को टेस्ट किया गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट. और आपको रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए टेस्ट करना देना अप्लाई किया करेंगे इस केस में. इस केस में रीड करेंगे या सम रेंज मीन्स जस्ट इस प्रोग्राम को नेक्स्ट केस में मॉडिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्ले रेंज ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर्स.